हेलो एवरीवन वेलकम टू मैक आई एम जुनेरा शेख एंड इन टूडेज़ वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स ऑल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ एन यूनिवर्सल लॉ ओके द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ठीक है तो इसमें कहा गया है कि जो एनर्जी है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है ठीक है जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में ठीक है द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल मतलब हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं According to this law, when a closed system undergoes a thermodynamic cycle, the net heat transfer is equal to the net work transfer. Now, what is closed system? Closed system kya hota hai jab koi kisi system mein mass constant hota hai aur jo energy hai energy transfer हो सकती है but mass क्या होता है? mass होता है constant उसको हम कहते हैं closed system. ठीक है? जब किसी closed system में कोई thermodynamic process होता है तो जो heat है वो वर्क के इक्वल होती है ठीक है नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो इन फर्स्ट लॉ यू हैव टू रिमेंबर दैट इट मेक्स द की कंसेप्ट ओके इट मेक द की कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क ओके सो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है तो हमने यहाँ पर एग्जाम एज एग्जाम्पल यहाँ पर एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम कंसिडर किया है ठीक है अब हमने लिया यहाँ पर एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम यहाँ पर है पिस्टन ओके okay, और इधर है गैस मॉलिक्यूल्स अभी हमने क्या किया हमने यहाँ पर हीट प्रोवाइड की इस थर्मोडाइनमिक सिस्टम को और जब हमने हीट प्रोवाइड की इस थर्मोडाइनमिक सिस्टम को तो क्या हुआ जो मॉलिक्यूल्स थे सिस्टम में वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होना स्टार्ट हो गए ठीक है अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके साथ जो प्रेशर है मॉलिक्यूल जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा प्रेशर किसके अगेंस्ट बढ़ेगा प्रेशर ये वेट के अगेंस्ट बढ़ेगा ठीक है जब प्रेशर बढ़ेगा तब ये वेट पिस्टन जाएगा अपवर्ड साइड ठीक है और जब पिस्टन अपर साइड जाएगा दैट मीन्स डन हुआ है ऑन द सिस्टम ठीक है द हीट इज गिवन टू द गैस देन देयर वॉल्यूम विल इंक्रीज इथ द विल इंक्रीज सम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ठीक है अभी यहाँ पर देखो ये राइट हैंड साइड में जो थ, आ, हमारा सिस्टम है थर्मोडाइनमिक सिस्टम यहाँ पर पिस्टन कहाँ है अपवर्ड है दैट मीन्स जब हम लोगों ने यहाँ से हीट प्रोवाइड की तो यहाँ पर कोलाइड हुआ और कोलाइड होने की वजह से क्या हुआ ये पिस्टन ऊपर गया तो जो हमारा जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा इंटरनल कुछ इंटरनल एनर्जी यहाँ स्टोर होगी और जो कुछ इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क डन के लिए यूज में आएगी ठीक है नाउ सी Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. नाउ व्हाट इज W? W इज वर्क डन वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड इट्स कन्वर्टेड टू इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम ठीक है हमने यहाँ पर हीट दी और वो किस में कन्वर्ट हो वो इंटरनल एनर्जी एंड वर्क में कन्वर्ट हुई ठीक है और यहाँ पर देखिए डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट माइनस वर्क डन ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज अ एग्जाम्पल नाव लेट सी अनदर एग्जाम्पल ओके दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ओके दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेआउट नाउ सी हियर दिस इज रिजर्व दिस इज हेड ओके एंड एंड दिस इज डैम इलेक्ट्रिक जनरेटर सो यहाँ पर जो हमारा पानी है वो किस पर है वो पोटेंशियल एनर्जी पर है ठीक है यहाँ पर जो हमारा पानी होगा उस पर कौन सी एनर्जी अप्लाई हो? हो रही है उस पर वो पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है पोटेंशियल स्टेट पे है वो पानी ठीक है वो यहाँ से फ्लो करेगा एंड दिस इज गेट ओके जब वो यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा जब वो मोशन में आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में ठीक है और जब ये वाटर यहाँ से यहाँ पर जब टरबाइन के ऊपर हीट करेगा जब ये वाटर टरबाइन पे हीट करेगा तो क्या होगा टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट कर देगा और जब टर्बाइन रोटेट होना शुरू कर देगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में ठीक है जब टर्बाइन रोटेट होगा तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड देन यहाँ पर लगा हुआ है जनरेटर अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो जब ये टर्बाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ठीक है तो अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से कानेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ ठीक है एनर्जी का देन हमारा काइनेटिक टू मैकेनिकल एंड मैके मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ओके इट इज नथिंग बट यू कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है अभी इस लॉ में कुछ लिमिटेशंस भी है ओके नाउ लेट सी द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ सो ये हमने ये जो स्टेटमेंट है ये हमने स्टार्टिंग में देखी थी वेन अ क्लोज सिस्टम अंडर गोज अ थर्मोडाइनमिक साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेटवर्क ट्रांसफर दैट मीन्स जब किसी क्लोज सिस्टम में थर्मोटानिक प्रोसेस हो रही है तो जो ही नेट हीट होगी वो नेटवर्क के इक्वल होगी बट यहाँ पर लिमिटेशन क्या है दिस स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड वर्क यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया है हीट और वर्क का दैट इज वेदर द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी it does not give any condition under which this transfer take place okay you understood first law does not provide any information of direction of process and does not determine the final equilibrium state eventually we know that every uh, every flow is from high temperature to low temperature theke? now second limitation is द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल ये स्टेटमेंट हमने देखी थी कि जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है एंड मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है दो द मैकेनिकल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी बट ओनली अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल वर्क मतलब जो हमारा मैकेनिकल वर्क है वो हीट में फुली कन्वर्ट हो जाएगा बट जो हमारा हीट एनर्जी है वो फुली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती दिस मीन्स द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क आर नॉट फुली म्यूचुअली कन्वर्टेबल इन अदर वर्ड देर इज़ अ लिमिटेशन ऑन कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form of energy these are two limitation of first law of thermodynamics if you understood the first law of uh, thermodynamics then hit the like subscribe and thank you so much